एक पत्ता जो है वो पेड़ से झड़ता है, और वो पेड़ से झड़ने के बाद जहाँ हवा उन्हें ले जाती है वो चले जाते हैं, और वो उसी डायरेक्शन में, मतलब कभी इस तरफ कभी उस तरफ। लेकिन एक पेड़ क्या करता है, पेड़ बहुत ही ग्राउंडेड रहता है, उसके रूट्स जो होते हैं वो ज़मीन में ग्राउंडेड रहते हैं। अब यहाँ पे भी जब हम फोकस और लेजीनेस की बात करते हैं, होता ये है कि हमें अगर ये नहीं पता कि हमें करना क्या है, जी देन चांसेस आर कि मैं किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ हमने, और हमने फोकस नहीं किया उन चीज़ों पर जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट राइट? विच इज़ लाइक लिविंग लाइक अ लीफ, एक टूटा हुआ पेड़ का पत्ता जो बस बह रहा है हवा हवा के के साथ साथ जा रहा है। लेकिन वहीं पर इफ आई अगर मैं जो कर रहा हूँ उसके प्रति मेरी चाह है, मेरा वो कन्विक्शन है, तो वो चीज़ें जब मैं करता हूँ बहुत नेचुरली हम ग्राउंडेड रहते हैं कि हमें ये आज करना ही है। फॉर एग्जाम्पल, हम जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देख लें, वो कहीं ना कहीं जो करते हैं उन्हें उसके उस कार्य के प्रति बहुत चाह होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आस्क मे बी सचिन तेंदुलकर, तो उन्हें क्रिकेट खेलना कार्य नहीं लगता, मतलब इट्स नॉट लाइक अ जॉब फॉर देम, इट्स अ पैशन फॉर पैशन देम, राइट? इट्स व्हाट दे लव डूइंग। हम अगर किसी एक्टर की बात कर लें, बहुत अच्छा वो एक्टिंग करते हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, उनके लिए एक्टिंग कोई जॉब नहीं होगा, लेकिन एक पैशन होगा, वो चाह होगी उस कार्य के प्रति। आपने एक्टर की बात की तो जस्ट एक जी बोल सकती हूँ, हाँ लाइक जी, लाइक अमिताभ बच्चन जी, लुक एट एब्सोल्युटली, हिम एट दैट्स दिस राइट, एज, ही इज सो पैशनेट. दैट्स राइट, एब्सोल्युटली राइट। जी तो हम जब भी लेजीनेस कब आती है, जब हमें किसी कार्य में इंटरेस्ट नहीं है, तो जो यूथ है उन्हें हमारा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अपने कार्य के प्रति वो इंटरेस्ट को क्रिएट करें, वो चाह को क्रिएट करें। जैसे ही वो चाह होगी तो बहुत नेचुरली हमें वो पैशन होगा चीज़ों को करने के लिए, फिर वो लेजीनेस आने का तो स्कोप ही नहीं। इनफैक्ट हम वेट करेंगे कि हम कब करें, हाँ, जैसे एक एक्टर के लुक लिए मैं फॉरवर्ड लुक करेंगे. फॉरवर्ड करेंगे, एक एक्टर वेट करता है कि हम एक्टिंग कब करेंगे, एक प्लेयर वेट करते हैं कि हम कब खेलेंगे, ये आपसे अच्छा तो शायद और कोई नहीं जान सकेगा, आई नो राइट? सो ही इज आप सो पैशनेट. ही वो जब करते एब्सोल्युटली हैं कोई काम, जी, लेकिन अब जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ, हाँ सिंस हम जी बात कर ही रहे हैं जी नयन जी की भी यहाँ पर, जी तो उन्होंने जब क्रिकेट क्रिकेट डेफिनेटली उनका पैशन था, जी है और जी रहेगा, लेकिन एब्सोल्युटली अभी वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, जी अभी वो बिजनेस कर रहे हैं. तो मैंने उनमें इस तरह से देखा है कि बिजनेस भी उन्होंने अपना पैशन बना लिया है, वंडरफुल, बिकॉज अभी ऑब्वियसली यू कैन एब्सोल्युटली नॉट प्ले, आप पूरी लाइफ तो खेल नहीं सकेंगे. जी तो जब तक उन्होंने क्रिकेट खेला तब तक वो फोकस पूरा उसके ऊपर था, नहीं इंजॉयड द गेम. राइट नाउ ऑल्सो इट्स हिज पैशन, लेकिन अब वंडरफुल, कर रहे हैं बिजनेस, तो अब बिजनेस को ही दैट्स सच अ उन्होंने ब्यूटीफुल अपना एग्जांपल, पैशन बना लिया है. एब्सोल्युटली, दैट्स सच अ वंडरफुल थॉट। देखिए, एक है यू डू व्हाट यू लव, जी राइट? और दूसरा है यू स्टार्ट लविंग व्हाट यू आर डूइंग, आप जो कर रहे हैं उसको अपनी पूरी चाह से करें। जब हम वो करते हैं ना, जब यूथ जो है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे यूथ प्रोफेशनल्स हैं, जब आप जो कर रहे हैं उसको अपनी पूरी वो चाह से करेंगे, वो इंटरेस्ट से करेंगे, देन देर इज नो स्कोप ऑफ लेजीनेस, और फोकस एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली आ आ जाएगा। जाएगा. सो देन यू आर नॉट लाइक अ लीफ जो कहीं जा रहा है, कुछ कर रहा है, स्विंग अवे विद द विंड, नहीं, वो नहीं। हम बहुत ग्राउंडेड हैं, मुझे आज अगर क्रिकेट खेलना है मैं उसको अपना 100% दूंगा, अगर मुझे एक्टिंग करनी है मैंने उसको अपना, अगर मुझे जॉब कर रही हूँ तो मैं उस जॉब को अपना और 100% दूंगी। पढ़ाई, पढ़ाई 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को तो मेन फोकस उनका है ही पढ़ाई, जी क्योंकि उसी के आधार पर वो आगे अपना करियर बनाने वाले हैं. हाँ तो जी उनका मेन फोकस, स्टूडेंट्स की यहाँ अगर बात या हो रही है, जो हमारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, तो उनके लिए यही जवाब है कि फोकस करेंगे ये सोचकर अभी यही है जो मुझे करना है. जी, पढ़ाई के प्रति फर्स्ट थॉट ही आ जाता है हाउ बोरिंग, और हाँ अगर मैं हाउ बोरिंग कह के फिर बुक उठा रही हूँ, हाउ विल आई बी एबल टू नहीं फोकस? होगा, हो नहीं सो पाएगा. समवेयर सी इट्स जो हम सोच रहे हैं फिर वो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में आ रहा आ है। जाएगा. कैन आई ब्रिंग अबाउट दैट शिफ्ट, कैन आई क्रिएट दैट इंटरेस्ट फॉर माई स्टडीज, के अभी कर रहे हैं ना, लेट मी डू इट विद माई पैशन, लेट मी डू इट पैशनेटली, लेट मी गिव इट माई 100%, उस थॉट प्रोसेस से पढ़ाई को शुरू करें, देखिए लेजीनेस अपने आप भाग जाएगी। लवली लवली, थैंक यू सो मच ऋतु जी, थैंक यू। सो आपके भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। तब तक के लिए लेट्स कनेक्ट
थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट. ओम शांति.